और शूज पहले उतार देगा। गाने के लगाओगी इसमें जा रही हो तो भी हम लोग जा रहे हैं तविक्ष को लेके आउटिंग पर। पीछे दिख रहा होगा तविक्ष बहुत ही अच्छे मूड में है कि आज बहुत ज्यादा एंजॉय। कितना एंजॉय करने वाले हो? बहुत सारा एंजॉय करेगा। तो यहाँ पर गुड़गांव में एक जगह है मैजिक केव करके, हम लोग अभी तक नहीं गए हैं। तो हम लोग कभी वहाँ गए नहीं है, आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर। और हमारे साथ जो हमारे मतलब वो लोग भी जा रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं। और वहाँ पर तो विक्ष कितना मजा करेगा, किस तरीके का है, कितनी फीस है, वो सारी चीजें मैं इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो अभी पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर बताते हैं कि कितना एंजॉय करता है। तो बस हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, आई थिंक 22 मिनट्स हम लोगों को यहाँ पहुंचने में लगा था। और ये यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल में ही ये इस तरीके से मैजिक केव बनाया हुआ है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं मैजिक केव, और ये है बच्चों का प्ले एरिया। बहुत ही अच्छा लगा था। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टिकट्स वगैरह क्या है। अंदर का कुछ इस टाइप से था, यहाँ पर सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत अच्छा कि आप पार्टी वार्टी भी कोई भी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं है, अगर आप बच्चे की बर्थडे पार्टी यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं तो आपको खाने के लिए अलग से कोई कैटर वगैरह बुक इस तरीके से करना पड़ेगा। बट बच्चों की काफी सारी एक्टिविटी यहाँ पर थी। और यहाँ पर ये इस टाइप से स्क्रीन वगैरह भी है, वहाँ पर आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं डांस वांस के लिए कुछ भी। और इस टाइप से ये टेबल वगैरह दे रखा है, यहाँ पर आप कोई भी गेम वगैरह ऐसा करा सकते हैं। तो इसकी फीस की मैं मतलब चार्ज की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो चार्ज था बहुत ही कम था, लिटरली आप मानोगे नहीं, 300 रुपये एक घंटे का चार्जेस था। तो वो हमें तो यार इतनी जगह जा चुके हैं हम तो रिक्शा को लेकर, तो ये चार्जेस मुझे बहुत कम लगा था, 300 रुपये एक घंटे का चार्जेस। और लिटरली यहाँ बच्चों ने बहुत ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तविक्ष कर रहा है यहाँ पर ट्रैम्पोलिन। उसका एक उसके साथ है कि अगर उसके साथ और सारे बच्चे करेंगे तो वो एकदम चुप बैठ जाएगा, उनके साथ नहीं करता, फिर उसको गिरने का डर रहता है। बट अकेले बड़ा मस्त रहता है, तो अकेले करता रहता है। और यहाँ पर फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे थे कि आप इनके साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी सी इस तरीके से छोटे छोटे गेम वगैरह भी थे। बट उसको सबसे ज़्यादा मज़ा उस सैंड से खेलने में ही आ रहा था। हम उसको बार बार बोल रहे थे ये कर लो ये कर लो, बट उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस सैंड के साथ
गेम खेलने में, कुछ कुछ न्यू न्यू बनाने में। क्या बना रहे हो तू भी, क्या बना रहे हो? अपनी खड़ी। क्या बना रहे हो खाने में आप? तो वो सब करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर खाना खाने। ये है गुड़गांव में वासुदेव रेस्टोरेंट, और लिटरली यहाँ का मतलब एक ढाबा इस टाइप से इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा, और इस टाइप से थोड़े बहुत झूले वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं कि वहाँ पर बच्चे वगैरह इन्जॉय कर लें। और बहुत ही टेस्टी खाना था यार, मुझे तो क्योंकि स्पाइसी वगैरह मुझे इस टाइप का खाना बहुत पसंद है। तो लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी, जैसे कम मिर्ची अगर वो भी तो वो भी कर सकते हैं, बट मुझे लिटरली यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ढाबे के खाने का यार मज़ा ही अलग होता है। तो उसके बाद हम ये लोग यहाँ पर बैठ के, मेरे को भी लगा था कि चलो इन बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम मिला था, हमने खाना भी खाया था, चाय भी पी ली थी, स्वीट्स भी खा लिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यहाँ। के बाद तो विक्रांत का बहुत ज़्यादा मन था भेड़िया मूवी देखने का, और यहाँ पर सिनेपॉलिस हमारे पास में ही जस्ट ओपन हुआ था, उसकी टिकट उस टाइम पर 99 रुपीज़ थी। तो हमको लगा था चलो सब लोग भेड़िया मूवी देखकर आ जाते हैं, तो ओके ओके थी, मतलब अच्छी थी, बोर नहीं होगी, अच्छी लगी थी। तो हम सब लोग बस मूवी देखने जा रहे थे वहाँ पर सारी फैमिली, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो विक्स ने तो उसको घर आके सेम वुल्फ की तरह बन के भी दिखा रहा था इस तरीके से। और ये यहाँ पर 37D में है, बहुत ही अच्छा है सिनेपॉलिस। और यहाँ पर देखो फिर से इनकी शरारत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, है कुछ सस्पेंस, बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अब आपको ब्लॉग जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।